हे गाइस, आज हम जा रहे हैं अपने गांव कोसी दोताना। वहां पर जाकर आज वीडियो शूट करेंगे। राइडर भी रेडी है, इसमें ऑयल भरवाते हैं, इसका टैंक फुल कराते हैं। 50 किलोमीटर दूर है हमारा गांव। बहुत एक्साइटेड हूँ दीपक, एक्साइटेड। चलिए देखते हैं क्या होता है वहां पे। स्केटिंग भी करेंगे। देखिए अपने स्केटिंग लेके आए हम बैग में रख के। चलिए चलते हैं। पेट्रोल डलवा लिया है, टंकी करा ली हमने फुल। मैं पावर वाला डलवाता हूँ हमेशा, इंजन के लिए बेटर रहता है। चलिए चलते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मामा जी के घर पे। अभी मामा जी यहाँ पे है नहीं है, मार्केट गए हैं, तो वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। वेट कर रहे हैं उनका। दीपक गया है बाहर, देखते पाऊंगे क्या कर रहा है। दीपक अरे उधर लग रहा है, मुझे लगा तू बाहर गया है। बाथरूम में घुसा हुआ है। तो गाइस इस गांव में बहुत कम आया हूं वैसे। अब तो फिलहाल पिछले एक साल से 2-3 चक्कर कट गए मेरे। किसी ना किसी बहाने से आता ही रहा। पापा मम्मी जब लाते थे तो पापा के साथ सिर्फ 2 बार आया हूं अब तक मैं 18 साल में। तो यहां पे बहुत सारे मकान बन रहे हैं। अब हम जाएंगे पीछे की साइड, उधर वहां पर खेत वगैरह है, वहां करेंगे स्केटिंग अपने स्केटिंग शूज पहन के। हम पहले रोड देखने जा रहे हैं क्योंकि मामा जी ने बताया यहाँ का रोड जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया है, पहले जैसा है नहीं। गांव का एरिया है भाई, इधर फैक्ट्रियां बहुत है ना, तो इस वजह से हो सकता है रोड खराब हो गया ट्रक वगैरह से। गाइस सीधे सीधे यहाँ से जब जाते हैं ना तो एक रोड पड़ता है, कोई चनौली करके कोई गांव है आगे की साइड, उधर की साइड हम जा रहे हैं अभी, शायद ये वाला रास्ता है। गाइस आज के लिए ये छोटा सा बच्चा जो है ना, ये गाइड है हमारा, ये गाइडेंस देगा हमें। छोड़ा ये बताओ आगे कितनी आगे और है वो रास्ता? बहुत आगे है। अच्छा रास्ता कैसा है, अच्छा है या टूटा फूटा है? अच्छा है। यार इधर तो अभी काम चल रहा है, क्या ये निकलने देंगे? तो मैं जिस रास्ते के बारे में गाइस बात कर रहा था वो यही रास्ता। देखो इधर खेत हैं, इस टाइम पर गेहूं हो रहे हैं सारे खेतों में। और ये रास्ता भी ठीक है, यहाँ पर ढलान नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम डाउन हिल स्केटिंग नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े खेतों में जो बीच बीच में एक एक दो दो बड़े बड़े पेड़ है ना, ये अलग ही यार लुक दे देते हैं पूरी सीनरी को। गाइस हम आगे तक जाएंगे और ये पता करेंगे कि कहीं तो अच्छा रास्ता हमें मिलेगा ही। दीपक यही तो रोड है वो जिसकी मैं कह रहा था, कितना मस्त रोड है। अगर मैं गिर भी गया तो गेहूं में गिरूंगा। बाली भी जो है गेहूं की रेडी है कटने के लिए। इधर क्या है और रहे अरे तो झाड़ियाँ तो हैं, लेकिन और क्या झाड़ियों के अलावा। हम इस गांव में भटक ना जाएं। देखो ये कटाई चल रही है गेहूं की, पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है ये फली। गांव में ऐसे कोठी बना के रखते हैं लोग, बहुत शौकीन होते हैं कोठी बनाने के। सर चलो पूरा गांव दीपक एक्सप्लोर करके आए। अनजान गलियों में घुस गए हैं, तो सारे हिंदू ही सर। गाँव के जेठ हाट रहे में बरामदे में स्कॉर्पियो खड़ी है और राधेलाल भवन। यहाँ तक स्केटिंग करते हुए आना दीपक। ये मथुरा से आया वापस। फाइनली अब हम जा रहे हैं शूट पर। बाल हो गए बहुत ज्यादा बेकार, क्योंकि अभी लंबी राइड से आया हूँ। मथुरा गया था और मथुरा से वापस भी आ गया हूँ। अच्छा 360 से शूट करेंगे। हाँ पता नहीं मेरी गलती थी, ऐसा ही लोग मानते हैं। मुझे याद रहेगा, मैं आगे से ध्यान रखना है, हर किसी की बात को ध्यान रखना। गाइस देख सकते हो कोसी में ये गाँव है के बच्चों का रिएक्शन देख लो कैसा लग रहा है, मस्त ये Yes! चीता ही कह रहा है। हे बच्चा भाई कैसा लग रहा है, मस्त ट्रैक्टर आ रहा है। गाइस बच्चे आ रहे हैं पीछे, आएगा तो सब आएगा तो। वहाँ पे रोड सही है, वहीं पे बैठेंगे, अभी गाड़ी में बैठ जाऊं। ये तो कैमरा है। तो का कर रहे हो यार, इधर वीडियो बन रही है। आज वीडियो बना रहा हूं। बस आज की इतनी प्रैक्टिस के साथ ही
वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं बहुत ज्यादा थक गया, एक तो मथुरा और कोसी के दो दो चक्कर काट दिए। चलिए अच्छा लगा यहाँ पे आके, राइडिंग थोड़ी कम कर पाए, दिन ढल चुका है तो इस वजह से थोड़ा सा शूट कम हो पाया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक अभी आकर यहाँ पे फिर कभी जब आएंगे तो तब शूट कर लेंगे। बाकी का आज का शूट बहुत अच्छा रहा और बहुत कम रहा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय।